हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक हैं? और तैयारी चल रही है? आज एक नए वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इसमें हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करते हैं। पी ब्लॉक एकदम इम्पोर्टेंट है और इससे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट की ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से एक एक प्रॉपर्टीज की हम लोग एक एक वीडियो में बात करते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्राइड? हाइड्राइड है क्या? हाइड्राइड हाइड्राइड बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट। देखिए, इसमें जो है हाइड्रोजन का बाइनरी कंपाउंड है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। बाइनरी मीन्स कितने एलिमेंट्स मिलकर बना होगा? दो एलिमेंट होंगे, टू एलिमेंट्स होंगे। बाइनरी मीन्स टू एलिमेंट, एक एलिमेंट हाइड्रोजन फिक्स है, दूसरा एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। सो बाइनरी कंपाउंड इज एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन किसी भी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो, शर्त बस इतने कि इसमें दो ही एलिमेंट होने चाहिए, तीसरा एलिमेंट कोई नहीं आएगा। सो हाइड्रोजन इज बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट में भी एनी थिंग्स। तो यहाँ पे टू एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन फिक्स है, दूसरा कुछ भी, एनी एलिमेंट, तो उसको आप क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। ये भी जितने भी आईडीई वाले हैं, तो जितने भी आईडीई हैं, जितने भी सफिक्स आईडीई लगा होता है, सब बाइनरी कंपाउंड होते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर देखिए, जैसे कार्बाइड है, तो ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन, एक एलिमेंट फिक्स है। उसी तरीके से जैसे सल्फाइड है, सल्फाइड एक एलिमेंट फिक्स है, वो क्या है? सल्फर। दूसरा है नाइट्राइड, तो एक एलिमेंट फिक्स है नाइट्रोजन। दूसरा है ऑक्साइड, उसमें भी एक एलिमेंट फिक्स है और वो क्या है? ऑक्सीजन। और उसके बाद वाला एलिमेंट है हैलाइड, तो उसमें एक एलिमेंट फिक्स है और वो क्या है? हैलोजन। तो देखिए, एक एलिमेंट फिक्स है और उसके अलावा दूसरा और कुछ कोई भी हो सकता है। जैसे कार्बाइड की बात करें तो कई कार्बाइड है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। ये सल्फाइड क्या है? PbS, लेड सल्फाइड। उसी तरीके से नाइट्राइड क्या है? इसका एग्जाम्पल एल्युमिनियम नाइट्राइड AlN। उसी तरीके से ऑक्साइड तो ढेर सारे हैं, जैसे Al2O3, ठीक। अब हैलाइड क्या है? NaX। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, लेड सल्फाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और ये सब बाइनरी कंपाउंड है। तो उसी तरीके से जो हाइड्राइड है, ये भी बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ कैसा है? बाइनरी कंपाउंड है। अब देखिए, दो एलिमेंट ऑलरेडी कई दो बार हो चुका, तो एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? एनी एलिमेंट है। तो इस तरह से आईडीई वाले एलिमेंट के डेफिनेशन है, तो हाइड्राइड हो गए। अब देखिए, तो हम लोग तो आज के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? एलिमेंट फिफ्थ ए ग्रुप का एलिमेंट है, सिक्स ए का है और सेवन्थ ए का एलिमेंट है, सेवन्थ ए और लास्ट में क्या है? जीरो ग्रुप। तो जीरो ग्रुप वाले हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, ये सब हाइड्राइड नहीं बनाएंगे, ये सब एलिमेंट हाइड्राइड बनाते हैं। तो देखिए, यहां के जो एलिमेंट है ए, जितने भी एलिमेंट हैं सब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के रिलेशन में, जिसकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3 है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसकी कितनी है? -2 है, और उसकी कितनी है? -1 है। तो देखिए, जो हाइड्राइड बनाए किस टाइप के होंगे, तो जो हाइड्राइड बनाएंगे उसका टाइप क्या होगा? देखिए, एलिमेंट कोई भी एलिमेंट -3, हाइड्रोजन का उसके रिस्पेक्ट में लिखना +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? EH3 टाइप हाइड्राइड बनाएगा। 6A वाला एलिमेंट, देखिए एलिमेंट हाइड्रोजन, इसका -2, इसका +1, -2 +1, तो क्या बनाएगा? H
H2E टाइप का, H2E टाइप का बनाएगा। अब इसके जो एलिमेंट हैं, देखिए एलिमेंट -1 हाइड्रोजन +1, तो किस टाइप बनाएगा, एच ई टाइप का, या इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, एच एक्स टाइप का। तो देखिए फिफ्थ ए वाले एलिमेंट ई एच थ्री टाइप के हाइड्रेट बनाएंगे, सिक्स ए एलिमेंट वाले एच ई टू एच टू ई टाइप के बनाएंगे, और सिक्स ए वाले एलिमेंट एच एक्स टाइप के हाइड्रेट बनाएंगे। तो ये सभी हाइड्रेट के सिमिलर ट्रेंड फॉलो करते हैं, और जो जीरो ग्रुप वाले एलिमेंट है सब हाइड्राइट नहीं बनाएंगे। तो अब देखिए इन सभी जो प्रॉपर्टीज है एक जैसा वेरिएशन है, आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है। तो अगर इसे लोग फिफ्थ ए की बात करते हैं तो देखिए ES3 टाइप बनाता है, तो फिफ्थ ए सिक्स ए वाला कैसे बनाते हैं, H2E टाइप का और ए। तो अगर इनके हम लोग जितने भी एलिमेंट है अगर सभी हाइड्राइड अगर लिखा जाए, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, न्यूज पेपर आज सब बिक गया। इस तरह से कोड वर्ड याद कर सकते हैं, सभी एलिमेंट है, न्यूज पेपर आज सब बिक गया। तो देखिए ए एन एस थ्री टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, और फिफ्थ एक ग्रुप का एलिमेंट एक ग्रुप देर होगा, उसी तरीके से पी एस थ्री ए एस एस थ्री एस बी एस थ्री और बी आई एस थ्री, सबके पास एक एक लोन पेयर होगा इस तरह से। ठीक उसी तरीके से यहां वाला जो एलिमेंट है, देखिए ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, ठीक ये सिक्स ए का एलिमेंट है, तो यहां देखिए एस टू ओ एस टू एस एस टू एस टू और एस टू, ये सब हाइड्राइड है सिक्स ए वाले एलिमेंट। अब सिक्स ए ग्रुप का एलिमेंट है तो सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए, कितने लोन पेयर बचेंगे, दो लोन पेयर बचेंगे, तो हर एक के पास दो दो लोन पेयर है सबके पास, ऐसे इस तरह से, तो सबके पास दो दो लोन पेयर है। और यहां का एलिमेंट है देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक यहां पर क्या बनाएगा, एच एफ एस सी एल एच बी आर एच आई, तो ये सब हाइड्राइड है। और जीरो ग्रुप वाला भी सबको पहले से पता है कि जीरो ग्रुप वाले हाइड्राइड नहीं बनाएंगे। तो देखिए इन सबकी जो प्रॉपर्टी में जो वेरिएशन है सब एक टाइप का है, सब प्रॉपर्टी सिमिलर वेरिएशन शो करते हैं। तो उसको याद करने के लिए हम लोग किस तरह से याद कर सकते हैं, तो उसी के लिए आज का वीडियो है। तो देखिए यहां कितने लोन पेयर बचेंगे, तीन लोन पेयर, क्योंकि सेवन ग्रुप का है तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो ए दो तीन लोन पेयर, उसी तरीके से यहां भी क्या है, तीन लोन पेयर है, इस तरह से यहां भी तीन लोन पेयर है। ठीक तो इस तरह से देखिये फिफ्थ है सिक्स है सेवंथ है, सबके हाइड्राइड का फीचर्स आ गया। अब आपको टर्म याद कर लेना है, तो कोड वर्ड है वो क्या है, बी बी और एस, ये जो पहला बी है बी फॉर बॉन्डिंग एंगल बॉन्डिंग, और दूसरा वर्ड है ए बी सी सी टी है, और ये क्या है, स्टेबिलिटी है। तो देखिए बीबीएस है, बीबी बच्चे सही है, बीबी बच्चे सही जो रहेगा तो एज बढ़ने के साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं बॉन्ड एंगल बेसिसिटी और स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, यानी बहुत सीधी सी बात, बीबी बच्चे सहित रहने पर एज बढ़ने के साथ साथ मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा, बेसिसिटी भी कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। अब रीजन क्या होगी, स्टेबिलिटी कम क्यों होगी, उसके सपोर्टिंग फैक्ट ये है कि ड्यू टू यानी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थैल्पी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि इन सब के बॉन्ड जो नीचे वाले एलिमेंट हैं इनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि इनकी एज ज्यादा है तो बहुत जल्दी डिकम्पोज कर जाएंगे, तो ड्यू टू डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थैल्पी ये सब आसानी से डिकम्पोज कर जाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर लेस स्टेबल।
तो ये सब पूरी प्रॉपर्टीज एक साथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो बॉन्ड एंगल बेसिसिटी और स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है? ड्यू टू डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है। और इधर जो और प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टीज और एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाएगा, इसका भी बॉन्ड आसानी से टूटेगा, इसका भी बॉन्ड आसानी से टूटेगा। अगर आसानी से टूट सकता है मीन्स एस पॉजिटिव आसानी से रिलीज हो सकता है। तो यानी ये सब वाले एलिमेंट हैं, एसिडिटी एसिडिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एसिडिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सीधा सा रीजन यहां लिखा है, ड्यू टू डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक साथ डिक्रीज कर रही, कम हो रही, इसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा। जब इसका भी बॉन्ड आसानी से टूटेगा, इसका भी बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो सीधी सी बात है कि एस पॉजिटिव आसानी से रिलीज होगा इसमें। जब एस पॉजिटिव आसानी से रिलीज होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, तो एसिडिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इन सब का बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, मीन्स एस पॉजिटिव नहीं निकलेगा, तो एसिडिक कम होंगे। तो एसिडिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक। और दूसरा फैक्टर, यानी ये सब जो नीचे वाले सब एलिमेंट हैं, ये सब आसानी से एस पॉजिटिव रिलीज भी कर रहे हैं, यानी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी होंगे, यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप में रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखिए इस तरह से पांच प्रॉपर्टीज हम लोग के पास। एक बॉन्ड एंगल बेसिसिटी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये प्रॉपर्टी सब एक साथ क्या कर रही है? सब इतनी पूरी प्रॉपर्टी एक साथ डिक्रीज करेंगी। जो भी बच्चे सही रहेगा, एज बढ़ने के साथ साथ मीन एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो अब सीधी सी बात है, उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, तो एसिडिटी ज्यादा होगा, तो एसिडिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो जब एसिडिटी इंक्रीज करेगी, तो देखिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर यानी जो आसानी से एस पॉजिटिव डोनेट कर सकता हो, दैट इज सेड टू बी एसिड, जो आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है, वो क्या होगा? एसिडिक होगा और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो इस तरह से देखिए ट्रेंड क्या है, पांच प्रॉपर्टीज हम लोग पास। बॉन्ड एंगल बेसिसिटी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी और दो प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, और क्या बढ़ रहा है? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ेगा। इस तरह से पांच प्रॉपर्टीज। और दो क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि देखिए ये तीनों एलिमेंट ऐसे पूरे पीरियडिक टेबल में तीन एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हैं, और वो तीन एलिमेंट कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एफ ओ एन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो जब ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हैं, तो सीधी सी बात है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा तो लिक्विड होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा तो भी लिक्विड होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा तो भी लिक्विड होगा ना। लेकिन इन तीनों के अलावा एफ ओ एन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा और दूसरे एलिमेंट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। तो PH3 भी गैस है, क्वेश्चन एग्जाम में बताने कितने बार आता है कि NH3 इज लिक्विड एंड PH3 इज गैस। सीधा सा आंसर, अमोनिया हैव एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट PH3 अवेलेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई एग्जिस्ट इन गैसियस फेज। ठीक उसी तरीके से H2O इज लिक्विड ना एंड H2S इज गैस, ये भी गैस है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता। उसी तरीके से HF और HCl, जो HCl है ये गैस है, आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, लेकिन इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है? गैस है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 188 केल्विन है, तो बॉइलिंग पॉइंट 188 केल्विन है, सीधी बात है रूम टेम्परेचर से कम है तो रूम टेम्परेचर पे बॉयल होता रहेगा। लेकिन HF क्या बनाता लेता है? HF लिक्विड है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर थर्मिक एबिलिटी है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएंगे, हम लोग पास पांच प्रॉपर्टीज है, पांचों में वेरिएशन अगर याद रहे, क्वेश्चन पता नहीं कितने आते रहते हैं। अभी इसी बात यही चारों ऑप्शन लिख दिए गए हैं एग्जाम में आया, ये चारों ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। अब क्वेश्चन ये पूछता है चारों में से, ये पूछता है कि किसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसकी बॉन्ड एंगल कम है। तो देखिए बॉन्ड एंगल यहां लिखे हैं, बेसिसिटी बॉन्ड एंगल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, किसकी बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड एंगल सबसे कम होगी, ठीक है। और स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी।
तो इस तरह से हम लोग एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो आज जो पहली प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज है हाइड्राइड के, पांच प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, बॉन्ड एंगल, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी, एसिडिक कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो दो प्रॉपर्टीज एसिडिक कैरेक्टर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और बॉन्ड एंगल, बेसिसिटी और स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगा। तो सीरीज मैच है कि रेशियो कितना है, 3:2 है, तीन प्रॉपर्टीज घट रही है, दो प्रॉपर्टीज क्या हुई है, बढ़ रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इस तरह से है, ऐसे